नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। गौर से सुनिए तो रेल के चलने में एक अलग ही धुन सुनाई देती है। हमने सोचा क्यों ना उस धुन में आपके उम्मीदों को पिरो लें। तो मेरे सहयोगी पंकज शर्मा, मोहम्मद अनस जुबैर और मैं एक लंबे सफर पर निकले, अलग अलग रेलगाड़ियों पर सवारी की, उसमें सवार मुसाफिरों से बातचीत की, ड्राइवरों से बात की, टीटी से बात की, टिकट खिड़की पर खड़े उन लोगों से बातचीत की जो घंटों वहां गुजार देते हैं। और जानते हैं सामने क्या आया? ये धुन। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है, इसके बावजूद कि रेल की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद कि लोगों की इस तरह से मांग आ रही है कि पूरी करने के लिए कितनी भी कोशिश की जाए तो भी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन उसके बावजूद, इसकी सभी कठिनाइयों के बावजूद, हम पूरी तरह से रेल की लोगों की अपेक्षा पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए कोशिश करते हैं। कुछ कमी अब भी है हद से तब भी थे हद से अब भी है कुछ कमी अब भी है। एक चीज हम बार बार देख रहे हैं, लोग अनमैन्ड क्रॉसिंग की बात करते हैं कि वहां से लोग निकल जाते हैं तो दिक्कत, यहां पर तो हम देख रहे हैं पटरी पर से लोग गुजर जा रहे हैं। ये आपको बहुत ध्यान से आप तब से चला रहे हैं? नहीं, क्या करें, मजबूरी है। अब रेल ने लेवल क्रॉसिंग को तो बंद करके अनमेंट बंद किया हुआ है, पुल की और जो है गेट की सुविधा दी गई है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते। अब हम लोगों का क्या करें, बीपी बढ़ाते हैं ये लोग। हमारे पास जो है केवल एक विसलिंग का ही साधन रह जाता है और हम जो है जैसे जैसे नज़दीक आता है उसको हम रोक नहीं पाते। आप इस तरह से पटरियाँ क्रॉस करके आ रहे हैं तो ये तो आपकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। थोड़ा जल्दीबाजी में खाना, इसलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको दूसरे लोग भी करेंगे? नहीं, अभी नहीं करेंगे। अभी लेडीज कंपार्टमेंट है तो इसमें सिर्फ लेडीज ही होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जेंट्स भी साथ में बैठे हैं तो ये तो सेफ्टी के हिसाब से एकदम गलत है ना। परिवार हमारे साथ है इसलिए हम बैठ गए, नहीं अगर मना कहीं तो हट जाएंगे। रेल में अब ना हो यही आरजू। सुन प्रभु। सर ये देखिए फेंका हुआ है, दिखा दीजिए सर। ये देखिए सर, ये फेंका हुआ है जैसे सर, तो डस्टबिन का बजट में आना चाहिए सर, हर कोच में। यही आरजू। सुन प्रभु। कितने घंटे रहना पड़ता है ट्रेन? जी मैडम, 21 घंटे लगती है उधर से आने में और 21 घंटा, और अगर गाड़ी लेट हो गई तो हम लोग का 40-45-50 घंटे का टाइम देना पड़ता है। एक बात बताइए कि मन में कुछ लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ करती है? रेल बजट क्या कर, क्या आपका एक मर्जी अगर पूरा कर सके? ऐसा लगता है कि हम लोग को मतलब इस तरह से विकास करे, कुछ भी मतलब अच्छा काम करे तो हम लोग बाकी नौकरी दे। लेडी टीटी, कितने साल से आप इस ट्रेन? मैं इस साल में 23 साल से हूँ मैम।
23 साल से? जी हाँ। खासकर ऐसा होता है कि आपको जिसमें ज्यादा ज्यादा छात्र नजर आ रहे हैं उस बोगी में? नहीं, इस गाड़ी में स्टूडेंट्स काफी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। एटलीस्ट जो भी हम कॉपरेट कर सकते हैं उसको करते हैं। बींग ए लेडी होने के नाते, जैसे RAC में एक लड़के की और एक लड़की की बर्थ होती है, तो देन हम लड़की को पहले प्रेफरेंस देते हैं कि उससे हम उसको वो करें कि जो भी हमारे पास बर्थ खाली होती है तो हम उसमें एडजस्ट करने की उन्हें कोशिश करते हैं। रेलवे पुलिस नज़र आती है यहाँ पर, गश्त लगाते हैं वो? जी हाँ, देखा है मैंने, देखा है। क्या पहले से बदलाव दिख रहा है या पहले से ही था ठीक सब? नहीं, पहले से काफ़ी अब अवेयरनेस आ गई है, और अगर TT कोऑपरेटिव मिल जाए तो बात ही कुछ है। मैं अगर ये कहूँ, अकेले अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो बहुत सुरक्षित नहीं है। थोड़ा सा अनसेफ जरूर है, स्पेशली फॉर वेमेन। रेल में तब न थे गंदगी के निशा, रेल में तब न थे गंदगी के निशा, रेल में अब न हो गंदगी के निशा, रेल में अब न हो। है यही आरजू आरजू, सुन प्रभु सुन प्रभु सुन प्रभु। मैं इसमें पिछले 15 ईयर से ट्रेवल कर रहा हूँ, बट द फूड एकदम सेम है, बिल्कुल वही फूड जो 15 ईयर्स पहले मिलता है वही आज भी मिलता है। जो वेजिटेरियन वालों के लिए पनीर एंड दाल सेम फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। सुधार में कोई टाइम लगता है, सुधार होगा खरा लेकिन टाइम लगेगा धीरे धीरे। परिवर्तन एकदम कुदरती परिवर्तन एकाएक होता है, लेकिन आदमी का परिवर्तन जो है देर में होता है। जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट क्रिएट कर दे, लोगों ने अगर गंदा करना है, अगर लोगों ने नहीं मिसयूज करना है उसे, तो वो लोगों के ऊपर है। इट डिपेंड्स ऑन पीपल हाउ दे यूज इट। सुन प्रभु 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 सुन प्रभु। समूचे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके लिए रेल के कोई मायने नहीं। किसी के लिए यादें हैं रेल, किसी के लिए जिंदगी है रेल, लेकिन कितनों के लिए जिम्मेदारी है रेल? हम सब इस बात की शिकायत करते हैं कि साफ सफाई है कि नहीं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाते हैं? ये सारी चीजें सामने आती हैं जब हम रेलवे की सफाई की बात करते हैं। क्या नाश्ता है आज? वेज कटलेट है, बटर ब्रेड, मक्खन। देखिए, ध्यान देते हैं आजकल आप लोग बनाने बनाने में? जी मैडम, ध्यान देते हैं जी। इस बार तो सफाई भी ज्यादा दिख रहा है ट्रेन। सफाई सफाई शुरुआती गाड़ी रनिंग में रहता है, वो चलने के लिए रनिंग में स्टाफ है सफाई वाले, और रेगुलर सफाई वाले कर्मचारी हैं। ऐसा तो नहीं कि कैमरा देख के आप लोग शुरू किए हैं सफाई? ऐसा नहीं, हर जगह दिख रही है सफाई। हाँ, सफाई हमेशा होता रहता है। खाने की क्वालिटी अच्छी है, काफी मतलब ठीक है, खाने लायक है, अच्छा है, खा सकते हैं आप। ये माला मेरी जान, सफर तो सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। करना हम लोग को सफाई, गंदगी होगी तो करेंगे, सफाई होगी तो करेंगे, करना तो है ये रोज। इसके लिए जो यहाँ बैठते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। छिलके भी फेंके, बोतल भी फेंके, रैपर बिस्किट के खाके तू फेंके, हाँ रैपर बिस्किट के खाके तू फेंके। जो टॉयलेट में जाके मैं मग को उठाऊं, अगर ना हो पानी तो मग किस लिए, अगर ना हो पानी तो मग किस लिए, अगर ना हो पानी तो मग किस लिए। कहीं भी पड़ी है गंदगी बॉटल, गवर्नमेंट थोड़ी सी क्या कर गए, ये तो जो पैसेंजर उन्हें छोड़ के गए हैं, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ये डस्टबिन वगैरह रखा ही जाए जगह जगह से। हम लोगों पे है, हम लोग साथ देंगे तो गंदगी होगी नहीं, हम लोग खाते पीते हैं डाल देते हैं तो वही गंदगी होती है। ये माना मेरी जान, सफर तो सजा है, ये माना मेरी जान, सफर तो सजा है,
मजा इसमें इतना, मगर किस लिए? मजा इसमें इतना, मगर किस लिए? ये रेलगाड़ी का लंबा सफर है, ये रेलगाड़ी का लंबा सफर है, इसी रेलगाड़ी का सभी पर असर है, इसी रेलगाड़ी का सभी पर असर है। इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा 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 इसमें इतना मगर किस लिए। आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती रेल वजह बेवजह जहां तहां रुकते चलती है, लेकिन हमने तो सुना था कि वादा बुलेट ट्रेन का है, उसका क्या हुआ? भाइयों बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते रेलवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। आज का रेल का जो नेटवर्क है उसी को आधुनिक बनाया जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते। मैं बेकरार करूं ये दिल निसार करूं, क्यों एतबार करूं मगर कैसे इंतजार करूं। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें और जब देश 75 साल मनाता हो तब देश को बुलेट ट्रेन से कम चार दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा कर दें। आई प्रपोज बुलेट ट्रेन बाई starting off with an early identified Mumbai Ahmedabad sector where a number of studies have been done. Bullet train ka tera vaada, vaada tera vaada, vaada tera vaada, vaada tera vaada, vaade pe tere pyar aa gaya, yatri mein seedha saada, vaada tera vaada. Nahi pehli baar sun rahe hain. Bullet train bhi chal rahi kya? हमने भाई नहीं सुना। अभी तो यही ट्रेन नहीं चल पा रही ठीक से। बुलेट ट्रेन लाने की बात हो रही है जिसका सबका सफर है धीरे धीरे और तेज होता जाएगा, इंतजार कर रहे हैं आप उसका? बिल्कुल, हम तो रिटायर हो चुके हैं तब तक। अच्छा, आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी नहीं आएगी ट्रेन? हम अगले साल रिटायरमेंट हमारा। अच्छा, अब ये नई पीढ़ी जो है ये लोग चलाएंगे उसे बुलेट ट्रेन। प्रधानमंत्री जी योजना शुरू करने वाले हैं कि बुलेट ट्रेन आएगी, बस पता नहीं कब आएगी। और भाइयों, मोदी का ये वादा कि बुलेट ट्रेन दौड़ेगी पटरियों पर तो क्या होगा? अरे हर मुसाफिर यही तो कहेगा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस बुलेट से चलने वाले, चलने वाले 300 पर वो चलने वाले, चलने वाले चलने वाले कुछ पल में घर जाने हैं। फायदा होगा कि हमारी जर्नी जो है वो जल्दी इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगी, फौरन पहुंचेंगे। जो हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद सफ़र करते हैं, जहां जो यात्रा दिल्ली से हम यहां तक करते हैं 500-600 किलोमीटर की दूरी, हम 12 घंटे 14 घंटे लगाते हैं, तो थोड़ा कम हो जाएगा हमारा। ट्रैक को जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा और काफ़ी कॉस्टली स्कीम है जो कि आम पब्लिक के बजट से बाहर है, मुश्किल है। उससे ज़्यादा जरूरी है कि छोटे छोटे स्टेशनों पर बहुत असुविधा लोग हैं, उसका विस्तार किया जाए। मगर 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 एक बड़ा सवाल ये खड़ा है, मोदी जी मैं क्या करूं? मैं बेकरार करूं
दिल निसार करूं, क्यों ऐतबार करूं, मगर कैसे इंतजार करूं। बुलेट ट्रेन का तेरा वादा, वादा 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 तेरा वादा, वादे पे तेरे प्यार आ गया, यात्री में सीधा साधा, वादा तेरा वादा। नहीं, हम बुलेट ट्रेन को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो मौजूदा ट्रेन है उनकी स्पीड इतनी कम है। पहले इस पे काम करना चाहिए कि इसकी स्पीड और बढ़ाई जा सके। सुविधाएं अच्छी हैं और जितनी जल्दी बुलेट ट्रेन आए और जितनी सस्टेनेबल तरीके से आए उतना अच्छा है। वादा तेरा वादा।